नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, आज तारीख है 12 दिसंबर 2019, और कल के लिए यानी 13 दिसंबर 2019 के लिए अपने 3 स्टार सेक्शन में दोस्तों मैंने 3 स्टॉक को सेलेक्ट कर लिया है। उसे किस लेवल पर दोस्तों बाय करना है, किस लेवल पर सेल, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, क्या टारगेट, इन सारी चीजों की जानकारी यहाँ पर मैं दूंगा। उसके पहले दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिए, साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर दें जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी सबसे पहले। यहाँ अलग अलग प्लेलिस्ट के सेक्शन में बना हुआ है वीडियो के सारे प्लेलिस्ट, आप इसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग टर्मिनल, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, सारे चीजें अलग अलग बना के मैंने रखा हुआ, तो आप इसे एक एक करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं वो कौन से 3 स्टॉक्स हैं जिसे कल हम लोग यानी 13 दिसंबर 2019 फ्राइडे को इंट्राडे में ट्रेड करेंगे। दोस्तों, यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि मेरे द्वारा दिए हुए स्टॉक्स मूव करे ही। यहाँ पर इन स्टॉक्स में मैं अपनी रिसर्च एनालिसिस को आपके एजुकेशन पर्पस के लिए पोस्ट करता हूँ, तो इसमें आप ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें। आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। डिस्क्लेमर को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों ICICI बैंक का। देखिए, ICICI बैंक को सिर्फ मैंने कैंडल के बेस पे सेलेक्ट किया हुआ, कैंडल ने बड़ा डोजी टाइप का कैंडल बनाया हुआ ऊपर में, तो इसके वजह से मैंने ICICI बैंक को सेलेक्ट किया है, और ये मुझे कल एक डाउनफॉल के सिग्नल भी दे रहा है। लेकिन अगर ये याद रखिए, हम लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं तो दोनों साइड के लेवल निकाल के रहते हैं। अगर ICICI बैंक ऊपर की तरफ 538 को ब्रेक करेगा तो बाय करेंगे, बाय अबव 538 यानी 538 के ऊपर बाय करना है। पहला टारगेट 542 542 होगा, दूसरा टारगेट 546 546 होगा, और तीसरा टारगेट 550 यानी 550 का होगा। स्टॉप लॉस लगाएंगे 534 यानी 534 का। अगर ICICI बैंक नीचे की तरफ 533 ब्रेक करेगा सेल करेंगे, सेल बिलो 533। पहला टारगेट 529 529, दूसरा टारगेट 525 525, और तीसरा टारगेट 521 यानी 521 का होगा। स्टॉप लॉस लगाएंगे 537 537 रुपए का। दोस्तों, जैसा कि रूल है हम लोगों का, शुरू को 5 मिनट बिल्कुल भी, फर्स्ट 5 मिनट यानी कि 9:15 से 9:20 तक बिल्कुल भी ऑर्डर प्लेस ना करें। उसके बाद ही अगर ऑर्डर हमारे बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करे स्टॉक, तो ही ट्रेड करें, वरना ट्रेड को अवॉइड कर दें। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ, और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग BGP को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। दूसरा स्टॉक है दोस्तों सेंचुरी टेक्सटाइल का। देखिए, 15 मिनट का चार्ट है, और बियरिश फ्लैग पैटर्न में सेंचुरी टेक्सटाइल फंसा हुआ है, तो अब जिधर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उस तरफ हम लोग ट्रेड करेंगे। सेंचुरी टेक्सटाइल अगर ऊपर की तरफ 498 को ब्रेक करेगा तो बाय करेंगे, बाय अबव 498 यानी 498 के ऊपर बाय करना है। पहला टारगेट होगा दोस्तों 501 यानी 501 रुपए का, दूसरा टारगेट होगा 505 505 रुपए का, तीसरा टारगेट होगा 509 509 रुपए का। स्टॉप लॉस 495 होगा यानी 495 का। अगर सेंचुरी टेक्सटाइल नीचे की तरफ 494 ब्रेक करता है तो सेल करेंगे, सेल बिलो 494 494 के नीचे सेल करना है। पहला टारगेट 491 491 का होगा, दूसरा टारगेट 488 488 का, और तीसरा टारगेट 485 485 रुपए का होगा। स्टॉप लॉस लगाएंगे 497 यानी 497 का। दोस्तों, फर्स्ट टारगेट के पास भी अगर स्टॉक आता है तो जरूर अपना 50-70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। सारे लेवल कैश के हैं, इसको याद में रखिए। कैश के दिए हुए लेवल अगर ब्रेक हो रहे होते हैं और उस वक्त फ्यूचर में जो भी प्राइस चल रहा है वहीं पर हमारी बाइंग या सेलिंग की एंट्री बन जाती है। तीसरा और अंतिम स्टॉक है दोस्तों टाइटन का। देखिए, टाइटन का ये आवर्ली का चार्ट है, आवर्ली के चार्ट में 2 बार राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना चुका है और उसके पास में ही जाके इसने क्लोज किया हुआ है। तो टाइटन अगर कल ऊपर की तरफ 1192 को ब्रेक करेगा दोस्तों तो बाय करेंगे, बाय अबव 1192। पहला टारगेट है दोस्तों 1198 का यानी 1198 रुपए का, दूसरा टारगेट होगा 1204 1204 का, तीसरा टारगेट 1210 1210 रुपए का। स्टॉप लॉस लगाएंगे 1186 यानी 1186 का। टाइटन नीचे की तरफ 1184 को ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे, सेल बिलो 1184। पहला टारगेट 1178 1178, दूसरा टारगेट 1172 1172, और तीसरा टारगेट 1166 यानी 1166 रुपए का होगा। स्टॉप लॉस लगाएंगे 1190 1190 का। दोस्तों, बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड ना करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिए। मैं वहां लाइव में भी कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो मेरी एनालिसिस और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए
धन्यवाद।